तुम्हारी बिटिया सोने के सूपा में वो अनाज साफ कर रही थी, हमारे दाऊ की तुम्हारी बिटिया पे नजर पड़ गई। अब दाऊ की लाने बस गई, दाऊ की लाने बस गई। कहा छोटे छोटे बच्चों से पूछ लिये बिटिया को का नाम, कहा बता दो के रेवती नाम है। बस हमारे दाऊ की लाने बई बात घर कर गई। हर किसी को हर किसी की जरूरत पड़ती है, हमारे दाऊ को केवल रेवती की जरूरत पड़ती है। कहा बस रेवत नाम के राजा ने कहा तुम्हारे दाऊ खेत का है दिन रात, जा बताओ तुम तो। कहा जाने पूछो का कहता। कहा नहीं नहीं बताओ तुम्हारे दाऊ का खेत रहित 24 घंटा। कहा बताएं। अब कन्हैया ने ऐसी बातें बताई कि पूरे जैसे जादूगर सबको झूल ले, ऐसे कन्हैया ने सबको झूल लो। जब सब जने झुर गए फिर कन्हैया रेवत नाम के राजा को बता रहे कि हमारे दाऊ का के। कहा बताएं, कहा बता दे। अब कन्हैया बोले धीरे से, कहा हमारे दाऊ कहते रहे थे रेवती, कहा हमारे दाऊ कहते थे रेवती रेवती, अच्छा मेरी रेवती। अब कन्हैया ने जैसे ही एक ड्रिंक करके कही अजय मेरी, अब रेवती के लाने हंसी आ गई। प्रभु की लीला अटपटी और झटपट लखी न जाए, और झटपट झटपट जेने जा लीला उनकी समझ लाई, तो फिर कल्याण ही कल्याण है। आज भगवान की लीला जल्दी नहीं समझ पात को। उसी समय रेवती कुमारी आई, कहा देखो तुम्हारी बिटिया संकेत कर रही कि हम आओ ब्याह दाऊ की संग करा ली। अब बेचारी बिटिया तो कछु कन्हैया की बातों पे हंस रही थी, रेवती इनने कह दी कि ब्याह के लाने हंस रही। कहा मैं दाऊ कहते के भोले बाबा के मंदिर में मिल गई हो। कहा और बचा ले। अब कन्हैया ने बड़े श्रृंगार करवा वो चालू करो, चलो चलो जल्दी से विवाह की तैयारी। अब दाऊ के पास गए, कहा आज शिवरात्रि का महापावन पर्व है, अपन के यहाँ नियम है संकर है संकट के नाशन विघ्न विनाशन मंगल कारण। कहा चलो वो वरदानी देवा की पूजा को। बेचारे दाऊ तो भोले बाले, भोरों के भगवान होशियारों के को नंग, भोरों के भगवान तो है मन होशियारों के को नंग। दाऊ खुलवाओ भोले बाबा के मंदिर में, और जैसे ही पहुंचे कहा कहो भोले बाबा से प्रार्थना करो सब काम सिद्ध करना। अब दाऊ को पतो नहीं के भी आवा हो रहा, कहा नेत्र बंद करे ना जब तक हम नहीं के में भलाई हम हल के है मनो हमारी बात मानी। बेचारे दाऊ नेत्र बंद करके ओम नमः शिवाय को जप करने लगे। अब जे तुरंत पहुंचे रेवती के पास, कहा देखो हमारे दाऊ हाथ जोड़े खड़े हैं तुम्हारे लाने। कहा देखो हमारे दाऊ हाथ जोड़े खड़े हैं, डर दे जल्दी डर दे। अब कन्हैया ने ऐसी बातें कह दी रेवती से कि रेवती को हंसी आ गई। बिटिया को ब्याह में रो रो आओ, लेकिन भागवत में वर्णन आता है कि रेवती ने किला ने हंसी आई थी कन्हैया की बातों में। कहा देखो हमारे दाऊ हाथ जोड़े खड़े हैं कि जल्दी डर दे। कहा देखो तो अब और ज्यादा उनकी लाने दयासी लगी, कहा जल्दी डाल दो माला डाल दी। माल लिया देनी सुगंध देनी, माल लिया देनी हे प्रभु माया नी ताने पुष्पाणी समर प्यान माला। दाऊ घबरा गए, दाऊ घबरा गए, क्या है? कन्हैया बोले के दाऊ अपन चार चार माली घरे काय खुल गए, अपन के लाने का इन मालों की जरूरत क्या है, का इनकी माला इनको दे दे, चलो घर। अब दाऊ ने माला रेवती को पहना दी। कहा तुम्हारो ब्याह होगा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गण जाय मंगलम पुंडरी का चायो तनो हरी काली काली महाकाली काली की।
परमेश्वरी सर्वनंदन करें, देवी नारायणी नमस्ते। कायस के देवादि देव महादेव साक्षी हैं, आज सज तुम्हारे तुम इनके। आज ब्याह संपन्न देवता लोगों ने फूलों की वर्षा कर दी। दौड़े दौड़े गए, का मैया तुम बड़ी चतुराई दिखाती कि हमारे बड़े पुत्र जैसो को आज्ञाकारी नहीं आ, का उनको ब्याह होगा और भी लो आके आवे बारे है कर ले व्यवस्था। अब तो हम ब्याह की सेटिंग करो, का करो हमारे ब्याह की सेटिंग, का जोन बेटिंग में डाल रहे हो। अबे तो दाऊ को बहानो हतो के दाऊ को हो जान ले, अब होगा। मैया ने कहा जब कौन वहाँ है अपने न बातचीत चले है जब तो हो गए, का तुम भरा आशीर्वाद बात दे कार्य सिद्ध, का सब व्यवस्थाएं हैं मैं। अब एक कुंदनपुर के राजा है भीष्मक, जिनके यहाँ चार पुत्र हुए एक बिटिया हुई, जिनका नाम है रुक्मणी। रुक्मणी को पढ़ा लिखा कर बाल विदुषी बनाई, जब 16 वर्ष की हो गई रुक्मी के साथ में सगाई हो गई। जब रुक्मणी के लाने मालूम हुआ कि हम आओ ब्याह शिशुपाल के साथ में हो रहा, भाभी के गई, का भाभी बिस्काले मनो हम उनके संग ब्याह नहीं करें, हमारे विवाह तो नारायण के संग होगा, हम लक्ष्मी हैं, महालक्ष्मी धरा उतारा सब विधि करत पाप को छारा, हम लक्ष्मी हैं, हमारे सामने नारायण ही आ पाएंगे। कहा तुम एक काम करो, चिंता न करो, परमात्मा बड़े दयालु हैं। वास्तव में दादा एक दोहा कहते हैं, भक्त तन के बस में परे तीन लोक के नाथ, जाते रे आ जाते हैं सुमोरे दीना नाथ। का भगवान को बुला के तो देखो भी अब भाई आ रहा है आज। कहा तो ठीक है, कहा कैसे आए, कहा पत्र के द्वारा, कहा महाराज जी को बुलाओ, गुरु मेरे सबसे बड़े और गुरु से बड़ा ना ज्ञान, और गुरु महिमा के सामने सो झुक जे हैं भगवान आज। गुरु जी आ गए, कहा तुम पत्र लिखो, पत्र आज पत्र लिख रहे हैं, श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। रुक्मणी लिख रहे हैं, जो जावे लाज हमारी बदनामी नाथ तुम्हारी, मैं तो एक अबला नारी हूँ दीन और दुखारी हूँ, आ जाइयो मेरे गिरधारी बदनामी नाथ तुम्हारी। दुर्गा माई को नाव लिख दो, जिनको भरोसो दुर्गा माई को, जिनको भरोसो दुर्गा माई को, उन्हें का डर है कौन पापी कसाई को, भरोसो हो माई को। पहले पत्र लिखे जाते माई से, पहले चलाते पत्र, अब चल रहे लेटर। पहले शुरुआत करते माई से, कलयुग में कर रहे आई से, फिर दोबारा में अक्षर बोल दी नारायण भगवान की जय जय। अब जैसे ही पत्र लिखा माई को सहारो लेके, आज रुक्मणी आ रही हैं बड़ी व्यवस्था के साथ, इतनी व्यवस्थाओं के साथ के धोखा न हो जाए, लेकिन जो होना है वो होगा, जो नहीं होना वो कभी नहीं होगा। आज रुक्मणी आ रही मैया के मंदिर में, आग फड़कने लगी। जब मिलन को समय अश्व आंख से शुरुआत हो, अपन गाते हैं ना, मन जाहे राच मिला ही सो बरसात सुंदर प्यारे सावरो, बाएं अंग फड़कन लगी। आज आंख फड़कन लगी, अगर स्त्री की बाएं आंख फड़के तो शुभ, पुरुष की दाहिनी तो शुभ। मंदिर में प्रवेश, कन्हैया वहां खड़े हैं, आज माला लिए भाई प्रसन्न, जब भवानी खसी माल मूरत मुस्कर, संग वाहिनी जय जग माता, जय जय त्रिभुवन सुखदाता। आज मिलन हो रहा है, आज माला डाली देवी रुक्मणी ने, कन्हैया ने माला पहनाई,
विवाह संपन्न हुआ, पांव पखराई प्रारंभ हो रही। अब सब जने मिलके भगवान की पांव पखराई कर ले। भगवान बैठे हैं, उठ जाओ जजमान, पहले दाऊ हर किलाने कर लेंगे, फिर भाई हरे कर है पांव पखराई। एक जने थाली लेके खड़े हो जाओ बेटी।